नमस्कार दोस्तों, बिंजन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मेथी के लड्डू। ठंड के मौसम में ये लड्डू खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, आपकी सेहत तो सुधरती है, साथ ही साथ आपको प्रोटीन भी मिलता है और हाँ, आपके बॉडी को वार्म भी रखता है ये लड्डू। तो कैसे बनते हैं ये मेथी के लड्डू, जानने के लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप तक नई नई रेसिपीज पहुंचती रहेगी। तो इसके लिए हमने लिया है ये छुआरा, सूखा छुआरा है, और ये है नारियल। इन दोनों को ही हमने पाउडर कर लिया है। और आपको बता दें, नारियल है 1/4 किलो और छुआरा है 1/2 किलो, जिसका पाउडर हमने रेडी कर दिया है। इसमें सूखा मेवा भी जाएगा। तो देखिए, इस कटोरी में हमने लिया है 150 ग्राम अखरोट, आधी कटोरी यानी करीब 100 ग्राम पिस्ता, 150 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू टुकड़ा, और हाँ 50 ग्राम जितनी हमने चारों ले ली है, और 1 चम्मच खसखस। इन सब का भी हम पाउडर कर देंगे मिलाकर। तो देखिए, ये पाउडर मिलकर कुछ ऐसा बन गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा साबुत भी रहना चाहिए। यह है गोंद। मेथी के लड्डू में गोंद बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गोंद को हम अच्छी तरह से साफ करके हमने तैयार रखा है। ये करीब 250 ग्राम है। घी गर्म करके गोंद को हमें फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, कुछ ऐसा। और सारा फ्राई होने के बाद इसका भी हम पाउडर कर देंगे। बहुत आसानी से मिक्सी में क्रश हो जाएगा और ये पाउडर बहुत ही अच्छा। ये है उड़द का आटा, जो हमने लिया है 1 कटोरी, जो करीब 150 ग्राम जितना होता है, और उसको भी हमने करीब 50 ग्राम जितना घी लेकर उसको भून लिया है। और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको हम गोंद के पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, गोंद के पाउडर में हमने ये भुना हुआ उड़द की दाल का आटा मिक्स कर दिया है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में हमने लिया है गेहूं का 1.5 किलो आटा। ये दरदरा आटा है, ज़्यादा बारीक नहीं है। इसमें हमने 200 ग्राम घी डाला है और इसे भी धीमी आंच पर हम ब्राउन होने तक भुनेंगे। जी हाँ, अच्छी तरह से ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना सफिशेंट है। तो गेहूं का आटा हमने भून लिया है। ये देखिए, हल्का ब्राउन होने लगा है। थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा और हल्का पड़ जाएगा। और ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो अब गोंद और उड़द की दाल का आटा जो हमने भून के रखा था, वो हम इस गेहूं के आटे में मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सौंठ, पिपरीमुल पाउडर और बतरीसू पाउडर। तो सौंठ हमने ली है करीब 150 ग्राम, ये पिपरीमुल पाउडर भी 150 ग्राम लिया है, और 100 ग्राम लिया है बतरीसू पाउडर, जो आयुर्वेदिक स्टोर में आपको रेडी मिल जाएगा, जिसमें 32 प्रकार की औषधियां होती हैं, जो ठंड ठंड मौसम में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। तो ये हम इस आटे में मिला लेंगे। तो ये बतरीसू पाउडर हमने डाल दिया। साथ ही साथ हम डालेंगे इलायची और जायफल का पाउडर, जायफल आधे से भी आधा और थोड़ी सी इलायची, और ये हमने डाला है पिपरीमुल पाउडर और सौंठ पाउडर। और अब इसमें मिलाएंगे छुआरा यानी कि खारिक और नारियल का पाउडर, जो हमने रेडी रखा है वो भी इसमें डाल देंगे। और ये है सारा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली, अखरोट और खसखस। और ये है मेथी पाउडर, सबसे ज़रूरी चीज़, ये भी हमने ली है 150 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो जब ये अच्छी तरह से मिल जाए, इसमें हम बीच में जगह कर लेंगे ऐसे, और साथ में हमने ये लिया है करीब 1 किलो शुद्ध घी, और जिसमें हमने डाला है 1/4 किलो देसी गुड़, और इस गुड़ को हम घी में गरम करके पकाएंगे, इसकी अच्छी चाशनी बनाएंगे। और जब चाशनी उबलने लगे तो इसको हम हमारे इस मेथी के लड्डू के मिश्रण में ऐड कर देंगे।
तो देखिए हमारी चाशनी उबलने लगी है, गुड़ भी ऊपर आ गया है, तो आटे में हम इसको मिला देंगे। गरम है इसलिए छोटे छोटे कटोरे से भरकर आप डालिएगा, सारा एक साथ मत डालिए, बाद में आप डालिए। और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाकर आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। और मन चाहे आकार में आप लड्डू बना सकते हैं, मन चाहे शेप में। तो देखिए अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने मनचाहा लड्डू का शेप बना लिया है। आप भी ऐसे लड्डू बनाएं, छोटे बड़े आपकी पसंद के अनुसार, इसे रोज खाएं और सेहत बनाएं। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नई नई रेसिपीज आप तक पहुँचती रहेगी। तब तक कीप बिंजिंग, कीप कुकिंग एंड स्टे हेल्दी।